लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार, मैं से बातें क्या करूंगा। इधर बाहर आए, मैं समझाता हूँ आपको। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, जिंदगी का इतना अहम दिन है, उसके बगैर कैसे चला जाऊं। देखो अगर तुम मेरे बारे में सीरियस नहीं हो। तुम सीरियस हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ। I love you. She loves me. I'm sorry मैंने तुम्हें इस तरह प्रपोज कर दिया एकदम से, इरादा नहीं था, लेकिन और तुम ये मत समझना कि मुझे लड़कियों की कमी है, लेकिन प्लीज बाद में शिकायत मत करना। आई फील सो सॉरी फॉर हर यार। अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, मुझे आप ही को देखना जाके। बाय। वेरी नाइस जनाब, देखें कितने जबरदस्त कैरेक्टर्स में। अच्छा ऐसे में जैसे हम ब्रेक पे भी बात करते हैं, पानी जैसा प्यार में, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, बिकॉज मुझे मैंने एहसन को हम लोगों ने इकट्ठे काम भी किया एंड बोथ ऑफ अस आर वेरी यंग, तो इकट्ठे बड़े हुए हैं इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, तो मैं नूर वाज आई थिंक आई सॉ हर व्हेन शी वाज 14 व्हेन शी केम टू दिल्ली भी, याद है तुम्हें? तो वो हम लोग मतलब मैंने जब से देखा इनको, ये भी छोटे से थे, बड़े पप्पू इनकी शक्ल होती है, कभी सीरियस ही नहीं लिया था कि एक्टर है ये, तो ऐसे ही है बस, क्योंकि शक्ल इतनी पप्पू थी, एक्सप्रेशन भी बस रोमांटिक एक्सप्रेशन आते थे, बट नाउ दैट इंटेंसिटी एंड दैट मैनली थिंग इज कमिंग। आई थिंक नूर वही बात है कि ग्रेजुअली विद एज एन एक्सपीरियंस आपकी नेचुरली चीजें चेंज होती रहती है, वो आपके एक्सप्रेशन और सारा चेंज होता है। पानी जैसा प्यार, थैंक यू सो मच। पानी जैसा प्यार का जैसे मैं बता रहा था, सरमद को क्रेडिट इसलिए दूंगा कि सरमद ने मुझे बताया कि किस तरह से वो 7-8 एपिसोड का कैरेक्टर था, और जब भाभी ने मुझे कास्ट किया तो भाभी टोल्ड मी के एहसन इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर, डोंट मिस इट, आई हैव योर नेम, और दूसरा जो नाम था वो भी एक ऑब्वियसली हमारे टॉप एक्टर है उनका था। आई थॉट कि अगर ये दो अच्छे मतलब नाम दे रहे तो एक जरूर कैरेक्टर होगा, 7-8 एपिसोड्स की बात नहीं है। आई रेड इट एंड इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर, आई थॉट यार इम्पैक्ट पता नहीं क्या पड़ेगा, चलें कर लेते हैं। देन सरमद हेल्प मी, उसने बताया कि इसको इनोसेंट रखो, एंड में बिल्कुल जाके उसको नेगेटिव नेगेटिविटी निकालना, बहुत अच्छा। और फिर सारा वो क्योंकि सभा के साथ बड़ा मजा आया काम करने में, तो पूरा पैकेज बड़ा मजा बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। वो चादर का स्टाइल वो लग रहा है कि वो जो चौधरी होते हैं ना उस टाइप का, थोड़ा बड़ा चीकू चौधरी है, राइट, गोरा मोरा चौधरी। अच्छा अभी आप क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मैं अभी बस न्यूयॉर्क से आया हूँ, तकरीबन 10 दिन हुए मुझे। मेरीन जबार जो कि इस बार में ऑफकोर्स शी इज माई फेवरेट डायरेक्टर, आई वॉज वेरी हैप्पी कि पहला वसल किया जिसके अभी हम शॉर्ट्स देख रहे थे, फ्लोरिडा में किया था उनका, ये हम टीवी प्रोडक्शन थी। अभी दूसरा जो न्यूयॉर्क किया तकरीबन एक महीना रह के आया हूँ, इट्स हमायोज प्रोडक्शन एंड हमायोज इन द प्ले, एंड हमारी जो वीजे है मायरा खान, या शी इज सो प्रिटी, शी इज द मेन लीड इन इट द गर्ल, और बहुत प्यारी है वो। और एक दीप्ति है जो इंडियन एक्ट्रेस है, दीप्ति गुप्ता, आई थिंक शी इज नेवल, नहीं नहीं दीप्ति गुप्ता, नेवल इज दी पुरानी वाली, एंड शी इज ऑल्सो वेरी फाइन एक्ट्रेस, तो वो है उस प्ले में। और चारों का ट्रैक है, उसके कैमरामैन भी वहीं के थे, स्टीव है कैमरामैन का नाम, जो राइटर है वो लैरी पॉन्टर्स, या ही इज अ गोरा राइटर अगेन। इंग्लिश में है क्या? इट वॉज इन इंग्लिश एंड वी हैड टू, इट वॉज इन इंग्लिश नूर, सरप्राइज, इट वॉज इन इंग्लिश, वी हैड टू ट्रांसलेट इन उर्दू, ऑल ऑफ अस एंड डू इट। एक नया एक्सपीरियंस था कि बहुत दफा बहुत सी अंग्रेजी की चीजें लिखी होती है जो हमें उर्दू में करनी होती थी, ट्रांसलेट किया नहीं, ट्रांसलेट हुआ था, लेकिन वो एक कल्चर उसका पूरा अंग्रेज कल्चर था सारा, क्योंकि राइटर जो वो थे पाकिस्तान कल्चर नहीं है उस टाइम का, बट मेहरीन ने जिस तरह से उसको चेंज किए, उसमें चेंजेस लाए, और जिस तरह से लोकेशन और शूट किया पूरा, बहुत खूबसूरत शूट हुआ है। और मैं यही बात कर रहा था बल्कि आने से पहले हमायों से कि हमारी टिपिकल टिपिकल चीजें चल रही हैं अभी, तो एकदम से वो जो प्ले आएगा तो वो थोड़ा सा लगेगा कि जैसे कुछ अंग्रेजी काम चल रहे, तो एक चेंज टाइप होगा, दैट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आप तो वैसे भी अंग्रेज लगते हैं। अच्छा मुझे ये बताया हसन कि इतनी आपकी मोस्टली फिल्में हिट हुई, बहुत बड़ी हिट्स थी आप, लेकिन उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी?
एकदम से टेलीविजन नूर फिल्म में कुछ अच्छा ऑफर नहीं हो रहा था ना, मतलब जैसे घर का बॉगी जब की थी वाज बिग हिट, निकाह की थी वाज अ बिग हिट, फिर मैंने सैयद नूर साहब के साथ भी काम किया, फिर जो भी दो तीन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, ज्यादा तो नहीं किया लेकिन जितना भी किया 5-7 फिल्में की, उनमें से तकरीबन सारी बेहतर मूवीज थी और अच्छी, कोई फ्लॉप नहीं गई, या और उसमें मेरे गाने भी पॉपुलर हुए और डांसेस वांसेस सारा, साइकिल पे भी गाना, वो तो बिल्लो वाला था ना, जीटी रोड पे, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म निकाह। बट नूर वो एक एक्टर को जो चीज चाहिए होती है ना, आप भी समझती होंगी कि आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपको कैरेक्टर नहीं मिलता, आपको लग रहा होता है कि यार ये नहीं है आपका काम, ये नहीं आपको करना, आपको कुछ और करना है, कुछ ज्यादा करना है। तो जब टेलीविजन ज्वाइन किया तो मुझे लगा यार दिस इज द काइंड ऑफ फील्ड आई वांट टू डू, बिकॉज व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट यू हैव सो मेनी सीन्स एंड यू गेट सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड दे डोंट चेंज द स्क्रिप्ट, या दे डोंट चेंज द स्क्रिप्ट के कर लिया और चार किया। हमारी मूवी फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट पार्ट ये कि जी आपको स्क्रिप्ट जो सुनाया जाता है वो कुछ और होता है और बाद में कुछ और बना होता है, फिल्म कुछ और निकलती है। और उसके ऑन एंड ऑफ बीच में मुझे बहुत फिल्में ऑफर होती भी हैं। अभी शहजाद रफीक साहब की शायद मैं कर रहा हूँ फिल्म, जो बहुत अच्छी, शहजाद साहब बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं, उनकी कर रहा हूँ। एक सुहेल खान है जो जो इंडियन हमारे, जिन्होंने अच्छा, इंडियन कुछ बनाया था, ही इज डूइंग अ फिल्म विच इज अगेन कोलेबोरेशन, आई माइट बी डूइंग हिज फिल्म। मोना के साथ भी आपने कुछ फिल्म की, मोनालिसा के साथ, मोना के साथ अभी फैसल बुखारी साहब की सल्तनत, अच्छा अच्छा, जो अगेन विच इज एन इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टफ, दुबई में शूट हुआ। यू डूइंग आई एम डूइंग फिल्म, लेकिन अब सिर्फ योगी अब अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ ना, कि जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। और मोना ने बल्कि आई वुड, आपने बड़ा अच्छा याद करा दिया, वुड लाइक टू ऐड, वो गाना मिलेगा तो मैं आपको जरूर दूंगा, यू हैव टू। मैंने सुना है कि बड़ा फड़कता हुआ मैंने मोना को बोला कि तुम्हारी इंडियन भी मूवी देखी, तुम्हें पहले भी देखा लेकिन इतना अच्छी उसकी परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी मुन्नी बदनाम हुई को पीछे छोड़ दी, बहुत मजा आया, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह जी जरूर वेट कर रहे हैं, बल्कि मूवीज फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल की डेफिनेटली। यार आई जस्ट टेल एवरीवन के भले शॉर्ट मूवीज बनाए, छोटी फिल्में बनाए, कुछ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए कुछ करते रहे। एक कॉलर है वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अदनान बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से। जी अदनान साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुभकामनाएं है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अहसन खान बैठे हैं, आप बात करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम अहसन भाई, क्या हाल है? अल्लाह के करम जी, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ आप कैसे हो? जी दुआ आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ड्रामे बहुत अच्छे हैं, हम देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए जी, इस तरह ड्रामे देखते रहे और दुआओं में याद रखें, आप सऊदी अरब में जब भी अल्लाह के घर में जाएं तो हम दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। चले गए शायद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।